हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। बलौदाबाजार जिले में एक बार फिर भारी मात्रा में बच्चों का गणवेश व शासकीय पुस्तकों का जखीरा पकड़ा गया है। पहले भी भिलाईगढ़ ब्लॉक गणवेश की हेराफेरी कर खपाने के मामले में सुर्खियों में रहा है। ऐसे में एक बार फिर दो कमरों से भारी मात्रा में गणवेश व पुस्तक बरामद किया गया है। दरअसल ब्लॉक मुख्यालय भिलाईगढ़ गोविंद वन बॉयज स्कूल के पीछे बने अतिरिक्त भवन के दो कमरों में रखे गणवेश व शासकीय पुस्तकों को भिलाईगढ़ तहसीलदार अमित श्रीवास्तव ने छापेमारी करते हुए जब्त किया है। गौरतलब है कि विगत वर्ष पहले भी शाला गणवेश को अवैध परिवहन करते हुए नष्ट करने के उद्देश्य से संकुल समन्वयक द्वारा दो पिकअप में भरकर ले जाया जा रहा था, जिसे नायब तहसीलदार अश्वनी चंद्रा ने रंगे हाथ पकड़ा था, जिस पर विभागीय अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने रिपोर्ट तैयार कर सौंप दिया गया था और विभागीय अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई करने का दावा भी किया जा रहा था। ऐसे में अब यह तीसरे से चौथा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि तहसीलदार अमित श्रीवास्तव को पत्रकारों के माध्यम से सूचना मिली कि गोविंद वन बॉयज स्कूल के पीछे बने अतिरिक्त भवन के बंद कमरों में भारी मात्रा में गणवेश व पुस्तक रखा गया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल एक टीम गठित कर छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान भवन के दो बंद कमरों से कार्टून और बोरियों में भरे गणवेश सहित पुरानी पुस्तकों को बरामद किया गया, जिसे विभागीय अधिकारी कर्मचारी की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई करते हुए दोनों कमरों को सील किया गया। तहसीलदार अमित श्रीवास्तव की माने तो उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी। प्रेस के माध्यम से ही हम लोगों को सूचना मिली थी कि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जो गोविंद वन ग्राम में स्थित है, वहाँ अतिरिक्त भवन में दो कमरों में गणवेश पाए गए हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद मैं यहाँ जांच के लिए आया था। जांच में हमने सूचना सही पाई और आज स्टाफ वेरिफिकेशन करवाया है। इसमें बड़ी मात्रा में गणवेश पाए गए हैं। इनमें ट्यूनिक, हाफ पेंट और शर्ट शामिल हैं, जो कार्टून और प्लास्टिक बोरों में भरे हुए हैं। अभी इसमें जांच जारी है। अब ये गणवेश कब के हैं और क्यों वितरित नहीं हुए हैं, स्टॉक की वास्तव में क्या स्थिति है, ये संबंधित डिपार्टमेंट से इंक्वायरी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। वहीं इस मामले में गोविंद वन बॉयज स्कूल के प्राचार्य से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस कमरे में रखे गणवेश और पुस्तक की जानकारी उन्हें नहीं थी। दूसरी ओर संकुल समन्वयक मनीष साहू ने भी पूर्व शिक्षा अधिकारी जे आर डहरिया ने उन्हें चाबी प्राचार्य से लेने बोला गया, जिसके बाद उन्होंने चाबी प्राचार्य से ले चाबी डहरिया को दे दिया, जिन्होंने उन्हें चाबी वापस नहीं किया। हाँ, इसकी चाबी पूर्व जो बीओ थे दहिया सर, उन्होंने मुझसे मांग किया था कि मुझको जो अतिरिक्त कक्षा है जो खाली पड़ा हुआ है उसमें सामग्री वगैरह रखना है और वहाँ से वितरण करना है करके, और उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि मनीष साहू को आप चाबी दे देंगे करके। सो मैंने मनीष साहू को चाबी दे दिया था। उसके बाद चाबी वापस नहीं हुआ। मेरे को पीओ सर बोलेगा इसकी चाबी ले लो बोल के, चाबी मैं पीओ यहाँ से स्कूल से प्राचार्य से लिया हूँ, उसके बाद पीओ साहब को दे दिया था। कौन सा पूर्व बीओ स्कूल? क्या नाम जी? आधार। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस मामले में सभी जिम्मेदार अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में भवन के बंद कमरों में रखे गणवेश व पुस्तक आखिरकार किसकी जिम्मेदारी में थी और किसकी निगरानी में रखा गया था, यह जांच का विषय बना हुआ है। भिलाईगढ़ से INN24 के लिए विजय सोनी की रिपोर्ट।